एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और माशाल्लाह हम लोग जो है वो अपने नए घर में आ चुके हैं। तो कल जो है कल हमने शिफ्टिंग करी थी, तो आज जो है वो है हमारा सेकेंड डे हमारे नए घर में। तो घर की हालत देखकर आपको वैसे अंदाज़ा हो ही रहा होगा, क्योंकि घर जो है वो इस वक्त बहुत बिखरा हुआ है, बहुत गंदा हो रहा है। तो क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अभी स्टिल अनपैक करनी है, तो फ़िलहाल जो है वो हमने उसको रख दिया है छोटे कमरे के अंदर, क्योंकि वो कमरा जो है वो अभी इतना यूज़ में नहीं आ रहा है। सो अभी हो रहे हैं तकरीबन सुबह के 8, और मैं यहाँ पे अपने लिए और हसन के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और नाश्ता बनाने के बाद जो मेरा प्लान है वो ये कि नॉर्मल जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो करने हैं, उसके बाद जो है वो घर की अच्छे से एक दफ़ा सफाई करनी है। वैसे घर बहुत गंदा नहीं है, साफ ही है, बट स्टिल क्योंकि बहुत दिनों से बंद रहा है ना, तो मुझे बहुत सारी जगहों पे ना डस्ट फील हो रही थी, तो इसलिए एक दफ़ा इसकी अच्छे से सफाई करनी है। और अगर थोड़ा सा टाइम मैनेज हुआ तो कुछ चीज़ों की अनबॉक्सिंग भी कर लेंगे साथ में। फाइनली यहाँ पर थोड़ी सी धूप निकली है और मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, क्योंकि कल से जब से हम आए हैं ना तो यहाँ पर बस तेज़ बारिश हो रही है लगातार, और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। इतना मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बर्लिन में इतनी सर्दी होगी, क्योंकि अभी तक हमने कोई शॉपिंग भी नहीं की है, और हसन के लिए स्पेशली अभी तक मैंने कोई विंटर्स की शॉपिंग नहीं करी है। तो यस, वो भी मुझे करनी है जाकर। तो बस यहाँ पर काम शाम चल रहा है, और किचन को मैंने अच्छे से अभी क्लीन कर लिया है। कल शाम में हम कुछ ग्रॉसरी के लिए निकले थे, तो ये बास्केट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आई गेस 5 यूरोस की थी, तो वो मैंने हसन के टॉयज के लिए ले ली थी, क्योंकि उसके टॉयज बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उसके पास सिर्फ एक ही बास्केट थी जिसमें वो पूरे नहीं आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए एक न्यू बास्केट ले लूँ। तो बस यहाँ पर उसके टॉयज हम ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं। एक तरफ जो है वो मैं उसके स्टफ टॉयज डाल दूँगी, और बाकी जितने टॉयज बचेंगे वो मैं दूसरी वाली बास्केट में डालकर रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग थोड़ी अनबॉक्सिंग कर रहे थे, और सामान हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जो हमारे पास लास्ट वाला घर था ना, उसमें हमारे पास केलर बेसमेंट अवेलेबल था, जिसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ था, लाइक काफ़ी बड़ा कमरा था। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि केलर हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है, बट इशू ये है कि वहाँ पे हार्डली ना आपके 2 सूटकेसेस आ सकते हैं, तो जितना भी एक्स्ट्रा सामान है ना वो हमें यहाँ पे घर में ही मैनेज करके रखना पड़ेगा। तो बस मैं वही कोशिश कर रही थी कि उसको सही से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि गिव अवे करनी है तो वो हम गिव अवे कर देंगे, और अगर कुछ सेल होने वाली चीज़ें हैं तो वो हम फिर सेल आउट कर देंगे। बट अगेन अभी जो है वो मुझे सारी चीज़ों को ना बिल्कुल सही से ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ रहा है। तो अभी हम यहाँ पर रोलर आ गए थे, क्योंकि घर की कुछ चीज़ें थी वो मुझे लेनी थी, प्लस हमने यहाँ से ही ना घर का काफ़ी सारा फर्नीचर ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, प्लस इनके प्राइस भी रिजनेबल थे। तो इट्स बेटर कि आप इधर उधर घूमो तो एक ही जगह पे ना आपको बहुत सारी चीज़ें घर की जो है वो एक साथ ही अवेलेबल हो जाती हैं, तो मुझे तो पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। तो कल वापसी पे ना काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि हम लोग फिर ग्रॉसरी के लिए भी निकल गए थे, और बस फिर जब घर आए ना तो इतनी थकन हो रही थी, और कोई भी काम करने की ना हमारे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो बस फिर हम सारे सो गए थे, और हसन तो रास्ते में ही सो गया था। तो अभी जो है फिर वो है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, और जितना भी फिर ग्रॉसरी का सामान था वो मैंने सुबह सुबह सेट कर लिया था। और हसन जो है वो माशाल्लाह अपने नए घर में बहुत खुश है, घूम फिर रहा है, बहुत मज़े कर रहा है, और यहाँ पर फिर से जो है वो काम वाम स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर मेरे पास काफ़ी टाइम से ना कुछ जार्स रखे हुए थे, जैसे कोई कॉफ़ी वगैरह ख़त्म हो जाती है ना तो फिर मैं उनको डिस्कार्ड नहीं करती, वो इस तरह मैं अपने पास रख लेती हूँ, बाद में किसी भी काम आ सकते हैं वो। तो उनके ऊपर जो ये पेपर होता है ना, ये बड़ी मुश्किल से हटता है, तो उसके लिए एक बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि यहाँ पर मैंने सिंक में ना स्टॉपर डाल दिया, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल के ना उसके अंदर जो भी बर्तन धोने वाला आपके पास साबुन वगैरह मौजूद है आप उसके अंदर वो डाल दो लिक्विड, और इसको 15 मिनट के लिए भी अगर आप छोड़ दोगे ना तो बाद में यकीन करें 1 मिनट के अंदर ये बिल्कुल
बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, बहुत आसानी से ये पेपर रिमूव हो जाएगा जो भी स्टिकर लगा हुआ होगा। और देखें ये बिल्कुल बॉटल जो है वो बिल्कुल न्यू जैसी हो गई है और आप किसी भी यूज़ में इसको ला सकते हो। जबकि मार्केट में जो है ना इस तरह की बॉटल आपको 4 से 5 यूरो में अवेलेबल होती है, तो इट्स एक्चुअली गुड कि आप इस तरह थोड़े बहुत अपने पैसे बचा सकते हो। अभी यहाँ पर मैं ना अपने दिन का सबसे मुश्किल काम करने वाली हूँ, जो कि हसन को खाना खिलाना। मुझे नहीं मालूम कि इसको क्या हो गया, लेकिन आजकल ना ये खाने में बहुत तंग करने लगा है, तो इसको जो है वो ज़बरदस्ती बैठ के खाना खिलाना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले लेता है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपके साथ पूरी अपनी जो क्लीनिंग रूटीन होगी ना मेरी, मैंने अपने नए घर को कैसे ऑर्गेनाइज, कैसे क्लीन और कैसे डेकोरेट करूँगी, वो आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।